वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बलगम या कफ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बलगम कहाँ बनता है। बलगम का जो संबंध होता है हमारे फेफड़े होते हैं। फेफड़े के अंदर सबसे अंदरूनी पार्ट और सबसे छोटा पार्ट एल्वियोलाई होता है, उसके अंदर इसका निर्माण होता है। एल्वियोलाई को अगर हम देखें बाहर से तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे गुब्बारों की तरह होता है, मतलब स्पंज की तरह होता है। यदि हम इसको अंदर से देखें तो इसके अंदर स्पेस होता है और इसी के अंदर क्या होता है, म्यूकस या बलगम का निर्माण होता है। अब हम बात करें क्या खाने से बलगम बनता है, तो बलगम ज़्यादातर क्या होता है, चीनी या मीठी चीज़ें खाने से, उसके अलावा ठंडी चीज़ें, दूध है या दूध जैसे प्रोडक्ट हैं, उसके साथ साथ में मसालेदार भोजन करना या बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, बहुत ज़्यादा मीठे और खट्टे फल जो होते हैं वो भी बलगम बनाते हैं। साथ साथ में क्या होता है, शराब है या ठंडे और बारिश के मौसम में या ज़्यादा समय आप बाहर रहते हैं या फिर आप शारीरिक गतिविधियां कम करते हैं, मतलब आपका मेहनत का काम कम है, या फिर आप दिन के समय सोते हैं, या फिर धुएं की वजह से एयर पॉल्यूशन या जो पॉलेंस होते हैं पौधों पेड़ पौधों से या जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनसे, जो क्या होता है गर्मियों के मौसम में सर्दियों के मौसम में कुछ पौधों से पॉलन निकलते हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। यदि हम बात करें बलगम क्यों बनता है शरीर में, तो बलगम आने का पहला कारण होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वायरस बैक्टीरिया फंजाई किसी वजह से हो सकता है। दूसरा होता है ब्रोंकाइटिस, मतलब इसमें क्या होता है फेफड़ों में सूजन होना। तीसरा न्यूमोनिया। चौथा जो होता है COPD की बीमारी। उसके अलावा अस्थमा है, एलर्जी है, TB है या लंग कैंसर के केसेस में, फेफड़ों के कैंसर के केसेस में बलगम का निर्माण होता है। यदि हम बात करें बलगम आने से पहले और बाद के लक्षण क्या होते हैं, तो बलगम आने से पहले क्या होता है, खांसी आती, छाती में दर्द, सांस में तकलीफ। बलगम जो होता है ये एक तरीके की बॉडी का एक एक्शन होता है जो बाहरी जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको रोकने के लिए, उसके लिए खांसी आती है और जब हमारा शरीर उससे फेल हो जाता है तब बलगम का निर्माण होता है। साथ साथ में काफ़ी लंबे समय तक रहने की वजह से क्या होता है, फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, नींद भी कम आने लगती है, भूख कम लगने लगती है, साथ साथ में व्यक्ति का वजन भी घट सकता है। अब यदि हम बात करें फेफड़ों में से प्रॉब्लम है या बार बार बलगम आता है तो उसके लिए कौन सी जांच करवाएं, तो उसके लिए आप चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, छाती का एक्सरे, जिससे पता चलेगा कि सूजन है, TV है या इन्फेक्शन है। साथ साथ में स्पूटम कल्चर वगैरह जो होता है इसे TV के बारे में पता चलेगा। CRP टेस्ट जो बताएगा कि लंग्स में सूजन है, CBC जो बताएगा WBC काउंट बढ़ा हुआ है इन्फेक्शन के केसेस में। अगर ये अबनॉर्मल होते हैं तो आपके डॉक्टर CT स्कैन या MRI करवा सकते हैं। साथ साथ में ब्रोंकोस्कोपी की ज़रूरत होती है लंग कैंसर के केसेस में, TB के केसेस में, या फिर जो होता है बायोप्सी वगैरह की भी ज़रूरत होती है। यदि हम बात करें फेफड़ों में तकलीफ है या बार बार बलगम आता है तो कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे, तो उसके लिए पल्मोनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, चेस्ट फिजिशियन, उनको दिखा सकते हैं। यदि आपके शहर में नहीं है तो आप जनरल फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फेफड़ों से जमी बलगम को कैसे निकालेंगे आप घर पर ही, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप गर्म पानी जितना ज़्यादा हो सके, गर्म पानी या गुनगुना पानी दिन में 5 से 6 बार पिएं और पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि पानी की कमी से भी बलगम का निर्माण होता है। पानी में आप नमक का डाल के पी सकते हैं या नमक के गलाले भी कर सकते हैं दिन में 4-5 बार। उसके अलावा यदि हम बात करें तो नमक के गलाले से क्या फ़ायदा होता है, तो इससे क्या होगा, आपके जो गले में सूजन है, आपको दर्द होता है, वो भी कम हो जाएगा। साथ साथ में आप चाहें तो भाप ले सकते हैं। भाप एक बहुत बढ़िया तरीका होता है जिससे क्या होता है सूजन वगैरह कम होती है और आपको बहुत आराम मिलेगा, छाती में भी दर्द वगैरह ठीक होगा। आप अदरक की चाय भी दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। उसके अलावा शहद की चाय दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। आप चाहें तो नींबू की चाय भी आप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। उसके अलावा प्याज, नींबू का रस और 1 चम्मच शहद, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले प्याज को अच्छी तरीके से छील काट लें और फिर उसके बाद इसमें क्या करें, इसके पीस कर लें, उसके बाद इसमें नींबू का एक रस मिला दें, फिर दोनों को एक कटोरी पानी में उबाल लें। अच्छी तरीके से उबालने के बाद इसमें 1 चम्मच जो है शहद मिला लें और उसके बाद आप इसको पी सकते हैं, इससे भी काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। अब यदि हम बात करें आपके बार बार बलगम आता है, बलगम आने की प्रॉब्लम है, तो उससे बचने के लिए क्या करें, पहले हमने एक बात करी कि हो गया तो क्या करें, आप बलगम अगर बार बार आता है उसे बचने के लिए क्या करें, तो उसे बचने के लिए आप चुकंदर वगैरह का अपने खाने में इस्तेमाल करें। आप चुकंदर का सलाद में भी खा सकते हैं, सब्जी में, साथ साथ में नीलबदरी, ब्लूबेरीज जो होती हैं वो भी खा सकते हैं। उसके अलावा अलसी का आप सेवन करें, अलसी आप
पानी के साथ ले सकते हैं, पीस के ले सकते हैं, साथ में कद्दू वगैरह की सब्जी खा सकते हैं आप। हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्याज और लहसुन का अपने खाने में इस्तेमाल करें। आप फलियां वगैरह, मटर वगैरह ले सकते हैं। उसके अलावा गाजर है, अनार और जैतून के तेल का भी आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बार बार होने से बच सकते हैं, आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का जो होगा ये चीज़ पहुँचाएंगे, जिससे आपको जो फेफड़े तंदुरुस्त रहेंगे और आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।